ऐसा महसूस करो प्रभु आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है तेरी मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे चुना है। कहता है आई हैव सेंक्टिफाइड यू। सेंक्टिफाइड का मतलब शुद्ध करना और अलग कर लेना अपने कामों के लिए। और कहता है आई हैव ओर्डेन्ड यू। ओर्डेन्ड मतलब रिजर्व कर लेना कि अभी तू कुछ और नहीं करेगा, तू सिर्फ मेरा काम करेगा। और फिर कहता है यरमिया कहता मैंने कहा आह लॉर्ड गॉड बिहोल्ड आई कैन नॉट स्पीक फॉर आई एम ए यूथ। कहता ओ प्रभु की गल्ला करी जाने तुसी, की गल्ला करी जाने तुसी, मैं तो बच्चा हाँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता। यही गल यशाया ने कही सी। एक मिनट, यही गल यशाया ने कही सी। और वो कहता मैं उन लोगों में बसता हूं जो झूठे, जिनके होंठ झूठी बातों को बोलते हैं। जब जब प्रभु ने किसी को इस्तेमाल करना होता था उन लोगों को अपनी कमियां नजर आने लग जाती थी। और ये बेस्ट समय था प्रभु के लिए उनको बताना कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैंने तुझको एज अ प्रॉफिट चुना। तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम गर्भ में भी नहीं आए थे। वो कहता है बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम्ब। कहने का मतलब आपका गर्भ में आना भी पॉसिबल नहीं था। ये फॉर्म प्रभु ने दी है आपको गर्भ में आना। बहुत सारे लोगों के कितने मिसकैरेजेस हो सकते हैं, होते हैं, हो सकता है आपका मिसकैरेज हो जाता और आप दुनिया पे ना आते। पर कहता है मैंने तुझे फॉर्म किया, फॉर्म तुझे बनाने से पहले कहता मैंने क्या किया, आई न्यू यू, मैं तुझे जानता था। इमेजिन करो एक नेकवीर नाम का बंदा है जो अभी दुनिया में नहीं आया और प्रभु कहता है तुम अभी दुनिया में नहीं आए हो पर मैं तुझे जानता हूं। आकाश नाम का एक बंदा है और प्रभु तुझे कहता है तुम अभी दुनिया में भी नहीं आए, और आज कुछ अलग प्रोफेटिक है, आपको समझ आना है। बस अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो। और आगे लिखता है कहता उसने कहा मैं तो बच्चा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। पर कहता बट लॉर्ड सेड टू मी, प्रभु ने मुझे कहा ऐसा मत कह कि तुम बच्चे हो। तो कहने का मतलब हमारे बोल, हमारे शब्द हमारे लिए बाधा बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। इसीलिए जेकर आया कि जुबान बंद कर दी गई। जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी वाइफ की गर्भ से उत्पन्न होना था, उसकी जुबान को स्वर्ग दूत की ओर से बंद कर दिया गया ताकि ये गलत बोल बोल के उसको जो अभी पेट में आया भी नहीं है, आता तो शायद इसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता। बहुत सारी बहनों के अंदर डर है, अरे उनका मिसकैरेज हो गया, परिवार में 10 लोगों का 10 बार मिसकैरेज होगा, मेरा भी ना हो जाए। वो डर कई बार सच्चा हो जाता है। प्रभु ने यह कराया कि जुबान बंद कर दी। अभी यरमिया के बाद यरमिया की बात करता हूं मैं, तो यरमिया को प्रभु कहता फॉर यू शैल गो टू ऑल टू हूम आई सेंड यू। तुम उन सभी के पास जाओगे जिनके पास मैं तुम्हें भेजूंगा। ये बहुत कम लोग करते हैं कि उनके पास जाना जिनके पास तुम्हें भेजा गया है, क्योंकि अक्सर हमारे मन में आता है क्या अगर उन्होंने मेरी बात ना सुनी तो फिर क्या, प्रभु अगर मैं बोलने लगा उन्होंने मुझे रोक दिया। तो प्रभु ने इसके विषय में भी एक बात उसे बोल दी। कहता है 8वीं वर्ष में डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर फेसेस। कहता उनके चेहरों से मत डरना। वो बनाएंगे चेहरे गुस्से वाले, वो बनाएंगे चेहरे वियर्ड कि तुम मूर्ख हो, क्या बता रहे हो मुझे तो पता है। कहता डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर फेसेस, उनके चेहरों से डरना मत। हो सकता है तुम किसी पुलिस ऑफिसर को गुड न्यूज दो, यहां तो अलग है इंडिया में दो, तो वो कहे मैं तुझे जेल में डाल दूंगा झूठा पर्चा डाल के। और प्रभु क्या कहता है, उनके फेसेस से मत डरना, हिलो मत, एक जगह खड़े रहो। और क्या कहता है फॉर आई एम विद यू। पिछली वर्ष पढ़ूंगा, प्रभु कहता है डू नॉट से आई एम यूथ, ये मत कह कि तुम बच्चे हो। जहां मैं तुझे भेजूंगा तुम जाओगे, एंड वट एवर आई कमेंड यू शैल स्पीक, जो मैं तुझे कहूंगा तुम बोलोगे। कई बार जब तुम्हें प्रभु कुछ कहते हैं बोल, और हमारे मन में शक आ जाता है क्या होगा प्रभु अगर ये मैं बोलूंगा तो पूरा ना हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
तुम्हें यह डरना नहीं है कि तेरी बेइज्जती हो जाए। आपको यह नहीं सोचना है क्या अगर मैं बोलूंगा वो प्रोफेटिक वर्ड झूठा चला जाए। एक होता है प्रोफेटिक वर्ड, एक होता है पवित्र आत्मा की ओर से वर्ड। सो इन दोनों में फर्क है। प्रोफेटिक वर्ड है जो आप फेथ से किसी को देते हो और उसकी जिंदगी में काम आ जाए, काम कर दे। एक वर्ड है जो प्रभु की ओर से होता है, उसके लिए भी उस बंदे को काम करना पड़ता है। उस वर्ड के लिए जो प्रभु पवित्र आत्मा की ओर से दे रहा है, जो प्रोफेटिक वर्ड है, उसके लिए भी उसको उस तरीके की मेहनत करनी पड़ती है। प्रभु क्या कहता है? कहता तुम वो बोलोगे शब्द जो मैं तुझे कमांड करूंगा बोलने के लिए। कमांडमेंट का मतलब ऑप्शनल नहीं है। जब आप किसी को ई ट्रांसफर भेजो, वहां पे आता है ऑप्शनल, लिख दो, कुछ ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, कुछ फॉर्म भरो, ऑप्शन, ऑप्शनल, मर्जी है भरना है कि नहीं। ये ऑप्शनल नहीं है, ये वो सेक्शन है जहां पे स्टार लगा हुआ है। स्टार लगने का मतलब अगर तुम इस पे ये इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं भरोगे तो तुम अगले सेक्शन में नहीं जाओगे। जैसे आपका नाम, अगर आपका फुल नेम आप ना भरो, लास्ट नेम में वो रेड हो जाता है कि आपने कुछ मिस कर दिया। प्रभु क्या कहता है? फोर, व्हाटएवर आई कमांड। कमांड का मतलब तुझे बोलना ही पड़ेगा जो मैं तुझे कहूंगा। ये चॉइस नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कमांडमेंट है। इंस्ट्रक्शन होता है सलाह देना। जैसे मैं आपको कहूं ये गाड़ी भी अच्छी है, ये गाड़ी भी अच्छी है, तुमको जो पसंद है वो ले लो। हालेलुया, अपनी आंखें खोलो एक मिनट के लिए मेरी ओर देखो। जैसे मैं आपको सलाह दूं, ये गाड़ी लेनी है ले सकते हो, ये लेनी है ये ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पर बाद में फिर से कहूं कि नहीं, ये ही तुझे लेनी पड़ेगी, ये कमांडमेंट है, ये सलाह नहीं है। प्रभु क्या कहता है? तुम वो बोलोगे शब्द जो मैं तुझे हुक्म देता हूं बोलने के लिए। और आगे प्रभु कहता है उनके चेहरों से डरना मत। वो अलग अलग चेहरे बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने तेरी गुड न्यूज को, जो तू मेरी गुड न्यूज को तुमको देगा, वो एक्सेप्ट ना करें तो तुम ये सोचने लग जाओ शायद प्रभु ने मुझे भेजा ही नहीं था इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। प्रभु कहता नो, जो मैं तुझे बोलने के लिए कहूंगा तुझे, ऊंचा बोलो, बोलना पड़ेगा। 28 अगस्त मैं इस दुनिया पे आया, मुझे अपनी जिंदगी होपलेस लगती थी। मैं सबसे अपने आप को छोटा महसूस करता था। मैं कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, मैंने बहुत स्कूल चेंज किए हैं, 10-12 स्कूल मैंने चेंज किए हैं 12वीं क्लास तक। पेरेंट्स ने सोचना ये स्कूल अच्छा है इसमें डाल देते हैं, ये अच्छा है इसमें डाल देते हैं। 8वीं क्लास में मैं एक्चुअल इंग्लिश पढ़नी शुरू करता हूँ, और 10th सिखाते हैं, इतना सिखाते हैं, इतनी इंग्लिश सिखाते हैं, नलायक, हमें कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता था, इतना पीटना उन्होंने, फिर भी नहीं आना, नहीं पल्ले पढ़ना। जब मैंने प्लस टू पास करी, मैं आईएलटीएस का एग्जाम देने गया, पहली बार नहीं पास हुआ, दूसरी बार हुआ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और जब मैं इस कंट्री में आया तो मैं सोचता था कि यार मैं किसी बंदे से बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इंग्लिश की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, ये बहुत बुरी है, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु ने कहा मैं तुझे फ्लुएंट कर दूंगा, जो लैंग्वेज तेरी है भी नहीं। आपको पता है जब यूसुफ को उसके भाइयों की ओर से पहले गड्ढे में फेंका गया फिर निकाल लिया, कहते नहीं नहीं निकालो, एक बंदा, एक उनका भाई आता है, आई थिंक रूबिन था, वो कहता नहीं नहीं इनको निकालो यार, ऐसा मत करो। फिर वो कहीं चला जाता है, उसके पीछे से उसको बेच देते हैं। जब उसको बेच देते हैं, वो जिन लोगों में जाता है वो कौन थे पता है? इजिप्शियन। ये इजरायली लोगों में है और इजिप्ट की अलग लैंग्वेज है, उसको कुछ नहीं आता। प्रभु उन लोगों में बेचता है, ना उसको लैंग्वेज आती है, ना उनका कल्चर पता है, ना रहना ना सहना, कुछ नहीं आता। प्रभु उन लोगों में बेचता है। और यूसुफ को ही उसके सभी भाई उसे हेट करते थे। मैंने एक दिन सोचा, मैंने बोला परमेश्वर ये कलीसिया तेरी है, ये मेरी नहीं है। पर मैंने बोला, मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा क्यों होता है? प्रभु ने कहा जब तेरे ही भाई, तेरे भाई का मतलब वो नहीं जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु में है, जब तुझसे नफरत करें तो एक बात याद रखना, यूसुफ से भी उसके भाई नफरत करते थे। और उसके पीछे मकसद था, इसलिए नहीं हुआ कि उन भाइयों को तुम नफरत करने लग जाओ, ये उसके पीछे मकसद था। अगर वो नफरत ना करें, वो बेचा ना जाता, और राजे के पास ना जाता, राजे के घर पोतीफर के घर जो हुआ वो ना होता, राजे की जेल में ना जाता, जेल में ना जाता तो राजे तक कैसे पहुंचता कि एक बंदा है सपनों के अर्थ कर देता है। वो सब पार्ट ऑफ प्लान था। जब मेरे साथ ऐसा होता है, हुआ है पीछे बहुत ज्यादा, अभी भी होता है कुछ चीजों में,
तो मैं जो मुझे प्रभु ये वचन याद करवाता है यूसुफ को, उसका बाप अलग कपड़ा डालता था, कैसा था, कलरफुल, और इसके भाइयों को उससे जेलसी होती थी। अगर आपकी ब्लेसिंग प्रभु की ओर से है, कोई कितनी मर्जी जेलसी कर ले, छीन नहीं सकता। और आप ये मत सोचो आज मैं संडे ज्यादा काम कर लूंगा, ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमा लूंगा। अगर तुम्हारे नहीं है तो तुम ज्यादा कमा तो लोगे, पर तुम कहीं और तुम्हारे फजूल खर्ची हो जाएगी। तुम कहोगे काश मैं चर्ची चला जाता, पैसे तो बचते, फजूल खर्ची तो बचती। समझ रहे हो बातें? प्रभु को किसी चीज से रिप्लेस मत करो। जो प्रभु तुम्हें दे सकता है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। मैंने अपनी लाइफ में अपने डिजायर्स को सैक्रिफाइस किया है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं बड़ा महान हूं, मुझे कोई किसी से कुछ सिर्फ कुछ इज्जत कुछ नहीं ऐसा चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं मैंने डिजायर सैक्रिफाइस किए हैं। मैं कुछ करना चाहता था, मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता था, बहुत सारी चीजें, पर मैंने सैक्रिफाइस कर दी प्रभु के लिए। प्रभु ने यरमाया कहा मैंने तेरी मां के पेट में आने से पहले तुझे चुना, ये चॉइस तेरी नहीं है, किसकी है? क्रिएटर जिसने दुनिया बनाई है वो कहता है मैं तुझे चुनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तू मेरा काम करे। अरे इससे बेस्ट सेवा जो जो एक दास होना, ये जॉब सबसे मुश्किल है, पर इससे बेस्ट कोई और जॉब भी नहीं। पता है तो ये टफ, बहुत सारी चीजें होती हैं, इससे बेहतर जॉब कोई नहीं है दुनिया में। एक दिन की बात है, कुछ चीजें हुई तो मैंने सोचा मैं चर्च नहीं करूंगा। तो जिस दिन मैंने ये चीज सोची तो प्रभु ने मुझे याद करवाया, तुम तो बड़े बड़े वायदे किए थे मेरे साथ, तुम तो कहते थे मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कहां गए तुम्हारे वायदे? मैंने कहते ना धोखा देगे तुम, धोखा देगे मुझे। मैंने बोला प्रभु नहीं, जान जाती है जाए, सारा कुछ रह जाए, मुझे रिश्ते सैक्रिफाइस करने पड़े, चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे लिए मुझे छोड़ के किसी और चीजों को अपनाएगा तो मुझे तो खोएगा ही, वो चीजें भी खो देगा, कुछ गड़ी पल के लिए रहेंगी, पर प्रभु ने कहा अगर तुम उन चीजों को मेरे लिए छोड़ दोगे मैं तुझे ऐसा दूंगा, ऐसी चीजें दूंगा जिसका कोई भी चीज, कोई भी दुनिया कंपैरिजन नहीं कर सकती। हालेलुया। आगे वचन में पढ़ता हूं, यरमाया एक पहला चैप्टर पढ़ रहा हूं, उसकी अगली 9 आयत में लिखा है, कहता देन द लॉर्ड पुट फोर्थ हिज हैंड टच्ड माय माउथ। साहिल कम है, जैसे प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, इधर देखो, और इसके ऐसे मुंह पे हाथ रख दिया। कहता है प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह पे रखा और कहा, क्या कहता है प्रभु, बिहोल्ड मैंने अपने शब्दों को तेरे मुंह में डाल दिया है। एक शब्द है जो आपको कोई इंसान देता है, एक शब्द है जो आपको प्रभु देता है। और जब आपको प्रभु कोई शब्द दे उसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, कोई शक नहीं है, एक शब्द काफी है तुम्हें प्रभु की ओर लेके जाने के लिए, सब पापों से निकालने के लिए, तुम्हें वो जॉब देने के जिसकी तुम ढूंढ रहे हो, वेट कर रहे हो। एक बहन है यहां पे, कोमल आपका नाम है ना, इतनी अद्भुत गवाही, और जस्ट खड़े खड़े मैंने इनके लिए इनको बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कितनी बार प्रमोशन अप्लाई करना चाहते, 30-35 बार प्रमोशन के लिए अप्लाई किया और हर बार रिजेक्ट हो गए, हर बार रिजेक्ट हो गए। एक वर्ड, अभी अप्लाई भी नहीं किया, कुछ ऐसा किया भी नहीं अलग से, अप्लाई किया, रेफरेंस इतनी डाल दी, अभी रेफरेंस भी नहीं लोड पड़ी, क्योंकि रेफरेंस बन के खुद यीशु मसीह आ गया था। अभी मैंने जल्दी में खत्म कर दी, सुनेंगे आराम से बाद में। कहता मेरे शब्द आत्मा और जीवन है, जो इनको पकड़ लेता है ये जीवन की बातें हैं, जो इनको अपना लेता है उसकी जिंदगी में वो कुछ भी बोले पूरा होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने हाथ बढ़ा के तेरे मुंह पे अपने शब्दों को, अपने हाथ तेरे मुंह पे लगा के अपने शब्दों को इसमें डाल दिया है। हालेलुया। समझ आ रही है बातें के नहीं? थक तो नहीं गए? कोई बात नहीं, शरीर टूटने दो आज। आगे प्रभु कहता है वो 10 आयत में, सी आई हैव दिस डे सेट यू ओवर द नेशंस एंड ओवर द किंगडम्स। अरे भाई ये छोटे गांव की बात नहीं हो रही, आज के दिन कहता तूने तुझे मैं देशों के ऊपर, राजाओं के ऊपर ठहराता हूं।
ओ समझे नहीं आप बात, वो ये नहीं कह रहा सिर्फ टोरंटो, ये कहता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया, आपने सुना नहीं, मैं कह रहा हूं कान खोल के आंखें खोल के, आज के दिन कहता मैं तुझे नेशंस के ऊपर किंगडम्स के ऊपर ठहराता हूं, और क्या कहता है टू रूट आउट, उनको उखाड़ने के लिए उन्होंने पुट्टन दे ली, टू डिस्ट्रॉय एंड टू थ्रो डाउन, टू बिल्ड एंड टू प्लांट, कहने का मतलब प्रभु कहता है मैं तुझे बताऊंगा कौन सा शहर उजड़ेगा और कौन सा शहर बनेगा, और जैसा जैसा तुम कहोगे तो वो पूरा होगा, क्योंकि मैंने अपना हाथ बढ़ाकर तेरे मुंह में मुंह पे लगाया और अपने शब्दों को इसमें डाला है। अरे भाई अभी छोटे नेबरहुड्स की बात नहीं हो रही, अरे उसने ये कर दिया उसने, अभी देशों के लेवल की बात हो रही है कि वो देश वो राजा वो रानी, बात समझ आ रही है कि नहीं। जब तुम एज अ हवलदार छोटा सा हवलदार की नौकरी पे आते हो तो तुम्हारी बातें सिर्फ वैसी होती हैं, तुम धीरे धीरे एक स्टार दो स्टार तीन इंस्पेक्टर बन गए, अभी तुम्हारी इंस्पेक्टर लेवल की बातें हो गई, और एक दिन तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, अभी देशों की बात हो रही है, सुना नहीं यार, आत्मा की बातें हैं ये, आत्मा की बातें शारीरिक लोगों के लिए क्या है, हाँ मूर्खता ही है। जिस दिन मैंने चर्च को शुरू करने का ठाना तो मुझे नहीं पता था इतने लोग आप खड़े हो इतने होंगे, अगर हम अब तक इतना बड़े हैं एक ही दम से, एक दिन आप देखोगे एक ही दम से ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे, जस्ट एक एक दम से, ये क्लिप मैं प्ले करूंगा उस दिन आपके सामने, एकदम से होगा, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में।